सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के सोन नदी के पुल पर एक तेज रफ्तार कार ने दो बाइकों को टक्कर मार दी, जिसमें एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर पुल से सीधे नीचे जा गिरा, जबकि दूसरे बाइक पर सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को तत्काल चौपन CHC में ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि पुल से नीचे गिरे युवक की हालत अत्यंत गंभीर है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है। चौपन के सोन नदी पर बने पुल से तेज रफ्तार से जा रही अनियंत्रित कार ने एक बाइक सवार व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार व्यक्ति पुल से नीचे गिर गया और दूसरी बाइक पर सवार दो लोग घायल हो गए। स्थानीय व्यक्तियों द्वारा जैसे ही इस दुर्घटना की सूचना मिली, तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्तियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौपन भिजवाया। अजय वर्मा, कैसे हुई ये दुर्घटना? भी हम पीछे पीछे आ रहे थे, हमसे लगभग 200 मीटर की दूर पे गाड़ी थी, अचानक बाइक और गाड़ियाँ दोनों आपस में लड़ी और बाइक सवार व्यक्ति सीधे नदी में जा गिरा। कितने लोग हादसे में घायल हुए हैं? अभी तो एक लोग का पता चल रहा है। आपके आगे ही थे? हाँ, हमारे आगे थे, 200 मीटर की दूरी पे। और जो कार में थे उन लोगों का क्या हुआ? वो पैसेंजर को भिजवा दिया गया, ड्राइवर अभी है सुरक्षित। राकेश कुमार, कैसे हुई है दुर्घटना? हम लोग बाइक से आ रहे थे और पीछे से एक फोर व्हीलर आती है, स्विफ्ट गाड़ी थी शायद, और पीछे से हम लोग को टक्कर मारती है गाड़ी को और हम लोग वहीं रोड पे गिर जाते हैं। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग दो लोग थे। और भी कोई घायल हुआ है? दो हम लोग जमीन पे गिरे, लेकिन सामने जब हमने देखा तो सामने एक और बाइक वाला आ रहा था, उसको भी स्विफ्ट वाला टक्कर मारा है सामने से, और वो बाइक वाला पुल के नीचे गिर गया है। स्विफ्ट वाला रॉन्ग साइड से आ रहा था या राइट साइड से? रॉन्ग साइड से, वो राइट से आ रहा था, उधर से आ रहा था। तो आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग रूम पे आ रहे थे अपने। किसी को गंभीर चोट भी आई है? गंभीर चोट सर, चोट तो कैसे कहें सर, हमारे इनको चोट लगी है थोड़ा। डॉक्टर संग्राम से, अभी जो दुर्घटना हुई है उसकी क्या स्थिति है? इस दुर्घटना में तीन लोग घायल हमारे यहाँ आए थे, एक लोगों की हालत गंभीर थी, जिनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जिनका नाम शत्रुघ्न था। बाकी दो लोग और हैं जो कि स्टेबल हैं, लेकिन फिर भी उनको एक्सरे के लिए रेफर कर रहे हैं जिला अस्पताल। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक बाकी जांचें ना हो जाएं। जो पहला मरीज थे वो गंभीर थे। क्या